छत्रपति संभाजी राजे भोसले की जयंती के अवसर पर आज खादगर में मुफ्त आरोग्य शिविर और नागरिक सत्कार समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष राजश्री कदम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में एनसीपी की महिला प्रदेशाध्यक्ष विद्या चौहान और महासचिव भावना घाणेकर तथा महासचिव प्रशांत पाटिल समेत कई नेता मौजूद थे। यहाँ कई महिलाओं को उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। देखिए रिपोर्ट। खारघर में आज छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती मनाई गई। राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस और एनसीपी यूथ कांग्रेस डॉक्टर सेल समेत कई संगठनों के सहयोग से आयोजित इस जयंती कार्यक्रम में संगीतमय पोवाड़ा आकर्षण का केंद्र रहा। सबसे पहले यहां मुफ्त आरोग्य शिविर चला, जिसका सैकड़ों नागरिकों ने लाभ उठाया। कार्यक्रम में एनसीपी की महिला प्रदेशाध्यक्ष विद्या चौहान, महासचिव भावना घाणेकर तथा प्रदेश महासचिव प्रशांत पाटिल समेत कई नेता खास तौर पर मौजूद थे, जिनके हाथों यहां दर्जनों महिलाओं को उनके योगदान और उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। वहीं दर्जनों डॉक्टरों को भी कोविड योद्धा पुरस्कार प्रदान किया गया। एनसीपी की महिला नेताओं ने संभाजी महाराज को आदरांजलि अर्पित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। क्योंकि सचमुच यहाँ जो पोवाड़े छोटे बच्चों ने गाए, उसमें से ये पता चला, शायरों ने जो गाए कि संभाजी राजा का पराक्रम किस तरह से था, और उसमें हम लोगों ने ये सब यहाँ पर जितने भी लोग थे उन्होंने ये सब पोवाड़े में ये संदेश मिला उनको कि किस तरह से पराक्रमी जिजाऊ के छत्रपति शाहजी राजे और संभाजी राजे और छत्रपति शिवाजी राजे और यहाँ पर जो पराक्रम हुआ वो सुना। लेकिन मुझे आज की जो राजनीति चल रही है इसके बारे में हम लोगों ने जो जानकारी दी महिलाओं को, वही मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि महंगाई नहीं होगी, चाय पे चर्चा। लेकिन हम लोग मोदी जी को कहना चाहते हैं कि अभी चाय पे चर्चा मत करो, अभी महंगाई पे चर्चा करो, क्योंकि महंगाई से महिला वर्ग बहुत ही परेशान है। बेरोजगारी इतनी हद तक बढ़ गई है, किसी को रोजगार नहीं, और मोदी जी ने पूरा देश बेचने को निकाला है अदानी अंबानी को, और अच्छे दिन नहीं, हमारे अच्छे दिन चले गए, अभी बुरे दिन आए हैं। तो हम लोगों को ये कहना है कि ये महंगाई के लिए हम लोग एक बड़ा मशाल मोर्चा पूरे महाराष्ट्र में लेके आएंगे। मुंबई के 6 जिलों से घूम के ये नई मुंबई में आएगा, नई मुंबई से ठाणे, ठाणे से कल्याण डोंबिवली, वहाँ से उल्लासनगर, वहाँ से लोनावड़ा, फिर पुना, पुना से सातारा, सांगली, कोल्हापुर, कोकण, ऐसा पूरा मध्य ये मराठवाड़ा, विदर्भ, ऐसा करके पूरे महाराष्ट्र में जन जागृति। क्योंकि भाजपा का काम है कि जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दे हैं, उनसे डाइवर्ट करना मुद्दों का। कभी भोंगे निकालेंगे, कभी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जो कुछ भी आपको पढ़ना है, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ना है, मंदिर में जाके पढ़ो, घर में पढ़ो, किसी का विरोध नहीं है। लेकिन महंगाई के बारे में क्या, हमें आज हमारे बच्चों को स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, महंगाई सब खाए जा रही है। तो हम लोगों को इसके ऊपर एक जन जागृति करना है, और महिलाओं ने, युवती ने, युवकों ने आगे रहना है, यही कार्यक्रम हमने आज घोषित। खरतर अविरतपणे 5 वर्ष राजा श्री छत्रपती संभाजी महाराजांची या ठिकाणी जयंती सोहळा मोठ्या उत्साहात साजरा होतो। या ठिकाणी महिला, युवकांनी आणि पादरबडी सगळ्यांनी एकत्र येऊन आणि युवती काँग्रेसच्या युवतींनी सुद्धा एकत्र येऊन मोठ्या उत्साहात हा कार्यक्रम या ठिकाणी साजरा केला, याचा मला अभिमान वाटतो। आणि ज्या ठिकाणी पोवाडा जो साजरा झाला, पोवाडा जो सादर झाला, त्या पोवाडा गात असताना अक्षरशः रोमांच उभे राहिले अंगावर, इतका भयानक इतिहास सगळ्यांच्या समोर आज मांडण्यात आला, त्याचा खूप मला खऱ्या अर्थाने आनंद आणि कौतुक सुद्धा या सगळ्यांचं करावं असं वाटतं। वहीं छत्रपति संभाजी महाराज जयंती समारोह का आयोजन करने वाली खारघर राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा राजश्री कदम और एनसीपी यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने अपने नेताओं का आभार जताया, वहीं सम्मान पाने वालों को भी बधाइयां दी। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष खारघर शहर यांच्या वतीने छत्रपति संभाजी महाराज यांची जयंती धूमधडाक्यात साजरी झालेली आहे। आज सकाळी आरोग्य शिबिर, आरोग्य मोफत तपासण्या इथे साधारण 200 ते 250 लोकांच्या झालेल्या आहेत। आज
पांच वाजल्यानंतर छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पोवाड्याचा भव्य दिव्य असा कार्यक्रम इथे संपन्न झालेला आहे. जयंती निमित्त आज खारघर मध्ये महाराष्ट्र प्रदेश महिलांच्या अध्यक्षा आदरणीय विद्याताई चव्हाण या खारघर मध्ये या कार्यक्रमाला उपस्थित होत्या. त्याचबरोबर महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस भवनाताई घाणेकर, महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस प्रशांत, सर्व पनवेल जिल्ह्यातील सर्व नेते खारघर मध्ये आज उपस्थित होते. आज मला या गोष्टीचा फार आनंद होतो की आपल्या राज्याची जयंती खूप मोठ्या थाट्यामाठात प्रथमच खारघर मध्ये महिला, युवक आणि डॉक्टर यांच्या माध्यमातून खूप धमधडाक्यात झाली आणि दरवर्षी अशीच व्हावी. राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस, महिला आणि डॉक्टर सेल यांच्या वतीने भव्य दिव्य असा शंभूराजे महाराजांची जयंती साजरी केली. या जयंतीला खारघरमधील रहिवाशांनी भरभरून असा प्रतिसाद दिला. ढोल पथक रॅली एकदम सुंदर कार्यक्रम असा झालेला आहे. असाच सर्व नागरिकांनी आमच्या राष्ट्रवादीला सहकार्य करावं व आमच्या अशाच युवकांच्या पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा द्याव्यात अशी मी नम्र विनंती करतो. आज वरिष्ठ नेते मंडळी आणि येथील खारघरमधील सर्व रहिवासी यांनी खूप उत्साहात आणि खूप जोमाने हा कार्यक्रम बघितला आणि या कार्यक्रमाला आल्याबद्दल सर्व नागरिकांचे TV1 इंडिया आणि कोकण दर्पणचे विशेष आभार आणि येथे आलेले सर्व नेते मंडळींचे आभार. खारघरवासियांचा या जयंतीला जोरदार प्रतिसाद आम्हाला भेटला. तसेच मोठ्या थाटामाटात ढोल ताशाच्या गजरात आणि पोवाड्याच्या स्वरात या कार्यक्रमाचा अनुभव ह्या सर्व खारघर शहराने घेतला. मान्यवरांची आम्हाला मोलाची उपस्थिती इथे लाभली. सर्वतोपरी प्रयत्न केले. तसेच आमचे डॉक्टर सेलचे डॉक्टर गोपले सर, डॉक्टर अच्युत सर, युवक सेलचे आमचे सचिन पवार सर, राहुल कोळी साहेब या सर्व युवकांनी घाम गाळला आणि या कार्यक्रमाला खरी ती शोभा प्रदान झाली. त्या सर्वांचे, सर्व रसिक प्रेक्षकांचे, सर्व खारघरवासियांचे मी मनापासून आभार मानतो. ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया. लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए.